नमस्कार, स्वागत है आपका इसी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की रणनीति भी आपको बताएंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं 9136934058। ये नंबर है जो कि लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इसके जरिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं शो में, और हमारे साथ इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने के लिए जिगर धर्मशी जुड़ चुके हैं और रवि द्योरा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले जिगर, आपके पास आना चाहेंगे, गोल्ड सिल्वर पर राय सबसे पहले लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर निचले स्तर में कारोबार होते हुए दिख रहा है। हल्की कमजोरी दिखी थी लेकिन अब निचले स्तर पर पहुंच चुका है सोना भी, और चांदी में भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है डॉलर की मजबूती से। क्या व्यू बन रहा है आपका सोने चांदी पर? पिछले कुछ दिनों से काफी वॉलेटिलिटी है गोल्ड और सिल्वर में, और हमने ओवरऑल एक वीकनेस का मोमेंटम देखा है प्रेशियस मेटल्स में। मुझे लगता है कि आने वाली जो फेड मीट है, और जिस तरह से रिसेंटली यूएस का जो डेटा आया था इन्फ्लेशन का, उसको डेटा आने के बाद से मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर आया है और एक ऑप्टिमिज्म रेज हुआ है कि कहीं ना कहीं जो फेड की जो मीटिंग होगी वहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि 75 बेसिस पॉइंट्स की भी रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये जो रेट हाइक्स का जो एग्रेसिव स्टांस देखने में मिला है और उसकी प्रोबेबिलिटी 96% से जो बढ़ गई है, उसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स और सारे कॉमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा है। मुझे लगता है कि फेड का जो आउटकम है वो आने तक गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइस वेस में वॉलेटिलिटी और डाउनवर्ड मोमेंटम शायद रह सकता है, हालांकि डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पुलबैक जरूर देखने को मिल सकता है, बट पुलबैक का एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोल्ड में तकरीबन अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तकरीबन 50,550 या 600 का लेवल आता है, तो वहाँ पर एक बार एक ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव के लिए बिकवाली का मौका लेना चाहिए। 50,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, और निचले स्तर मुझे थोड़े लिमिटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है, बट फिर भी 50,200 से 50,150 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। सेम वे सिल्वर में मुझे लगता है कि 59,500-400 के लेवल्स डाउनसाइड में आते हुए दिख सकते हैं, तो थोड़े पुलबैक्स पे सेलिंग का मौका लेना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर राय आपको सोने चांदी में दे दी गई है। एक और खबर की तरफ पहले रुक कर लेते हैं और उसके बाद बाकी ट्रेड्स भी समझेंगे और आपके सवालों को भी यहाँ पर शामिल करेंगे। मॉनसून को लेकर एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है और माना जा रहा है कि इस बार मौजूदा मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। कुछ और डेटा भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसका खेती पर क्या असर पड़ सकता है ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। पुखराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए इतना स्वदेश को। अभी फिलहाल प्री मॉनसून की शुरुआत हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह जो अनुमान कर रही थी IMD, उससे कम बारिश हुई है। क्या कैसे देख रहे हैं आप ये जो बारिश में अभी फिलहाल फेवरेबल अनफेवरेबल मूवमेंट हो रहा है, अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो इसका असर आप कितना देख रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि प्री मानसून की बारिश है वो 43% कम हुई है, ऐसा जानकारी में आया है। और जहां तक कि ये बारिश का कम होना और इस तरह का मौसम का गर्म रहना खेती के लिए अच्छा तो नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि कल छोट राजस्थान में भी, दक्षिणी राजस्थान में, बाड़मेर में बारिशें हुई है, पर खेती के लिहाज से देखें तो जैसे एक बाड़मेर जिले में बरसात हो गई तो वहां बाजरे की और मोठ की अच्छी बिजाई हो जाएगी, पर पूरे भारत की तरफ हम देखें तो ये कमजोर मानसून की स्थिति है। जिस तरह से IMD ने बताया था तो उस तरह से तो बरसातें नहीं हो रही है, और नए साउथ में इस तरह की बरसातें जिसे हम कह सकते हैं कि मानसून बहुत सामान्य या बहुत अच्छा है जी, और खेती के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी।
ओके, खेती के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से खेती नॉर्मल होती है, क्या अभी कहना सही होगा इतनी जल्दी कि सामान्य से कम मानसून हो रहा है तो खेती के लिए सही नहीं है? आने वाले समय में अगर ये चीज़ें फेवरेबल हो जाती है और मानसून अगर ठीक तरीके से प्रोग्रेस होता है, तो फिर क्या इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा खेती पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी से कहना ठीक नहीं है, पर अभी कहने का मतलब है वर्तमान जो स्थिति चल रही है, वर्तमान स्थिति के अंदर पोजीशन ठीक नहीं है। अब ये आगे जाकर कितना सुधरता है, कैसे रहता है, इसका डेफिसिट कैसा रहता है, यानी बरसात में खेती की दृष्टि से देखें, औसत की दृष्टि से तो कुछ भी हो सकता है, खेती की दृष्टि से देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, पर औसत की दृष्टि से देखें तो कहीं बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कहीं बहुत कम हो जाए, तो दोनों ही खेती के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखना होगा और उसके बाद ही ये तय पाया जाएगा कि किस तरह की खेती होगी, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना इस मानसून से फायदा होगा। ये तो अब कल्पना की बात है, पर जो अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। वैसे हम अभी देख रहे हैं कि फिलहाल उत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अभी भी, हमारी सुबह बात भी हुई थी एक्सपर्ट से, तो अभी वो बारिश का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, उनको फिलहाल नहीं दिख रहा है इस चीज़ को, इस पूरे कंडीशन को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव अभी भी बनी हुई है, वो जब तक कम नहीं होगी तब तक यहाँ पर मानसून के आसार अभी फिलहाल उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और अगर वहाँ पे कुछ डेफिसिट होता है तो क्या खेती पर असर पड़ेगा, किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अच्छा असर तो नहीं होगा। देखिए खेती के लिए एक तो समय पर बारिश चाहिए, जो बिजाई का टाइम हो समय पर बारिश चाहिए, तो समय पे बारिश हो और जिस अनुपात से बारिश चाहिए, जैसे एक बारिश 1 महीना बाद हो, एक बारिश 20 दिन बाद हो, फिर एक बारिश 25 दिन बाद हो, तब जाकर खेती होती है। तो अभी जैसी स्थितियां चल रही है, जिस तरह से इस बार जो गर्मी पड़ी है, ये अप्रैल मई में जिस तरह की गर्मी पड़ी है, ये तो साफ संकेत दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन है वो आशंकित कर रही है, इससे चिंता तो बनी हुई है। कुल मिलाकर हमारे जैसे लोग तो ये नहीं मानते हैं कि इस तरह की स्थितियां किसी भी तरह से अच्छी रहेगी, और इसके लिए पहले से ही किसानों को तैयारी रखनी चाहिए, और मौसम विभाग भी डिस्ट्रीब्यूशन का ढंग से तरीके से बताए तो किसान जागरूक रहेगा इस बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी समय देने के लिए और इस पर हमें अपना व्यू शेयर करने के लिए कि एग्री सेक्टर, एग्री स्पेस इस वक्त क्या चाह रहा है। तो इस वक्त वो प्रॉपर अपडेट चाह रहे हैं। फिलहाल तो जब हमारी सुबह बात हुई थी IMD डिपार्टमेंट से जब बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी, मानसून बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करेगा, लेकिन अगर इसको खेती से जोड़कर देखें तो एक एक दिन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ऐसी ही देरी होती रही, सामान्य से कम बारिश हुई और फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ बारिश का, तो फिर खेती पर असर पड़ सकता है, बाइक पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेहतर मानसून का होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका रिपल इफेक्ट फिर आगे महंगाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़र फेवरेबल मानसून पर ही है, और इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना इस पर काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात हुई मानसून की, लेकिन अब कुछ सवाल जवाब भी शामिल कर लेते हैं, और कुछ दर्शकों के सवाल भी मिलना हमें शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल जो हमें आया है वो भिवाड़ी अलवर से रितेश जी ने हमें भेजा है। इनका सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं? रवि, आपसे इस पर सवाल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको गोल्ड, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में कमजोरी आ रही है, डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन ऐसे में भी एक ग्लोबल मंदी का माहौल बना हुआ है, तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप सोने में आगे किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू शेयर करेंगे गोल्ड पर? जरूर सर, लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी कम हो चुका है क्योंकि हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन हमने गोल्ड के प्राइसेस में आता हुआ दिखा है। बट मुझे लग रहा है कि रिटर्न पर्सपेक्टिव से कोई भी एसेट क्लास, वो इक्विटी हो या गोल्ड हो, साथ में आप मेटल्स ले ले या क्रूड ले ले, सारे एसेट क्लासेस में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का कंसर्न है। इस हिसाब से जो हमने लास्ट 2 ईयर्स में जो रिटर्न देखा, इतना ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। यस, आपके अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत सीमित हो सिंगल डिजिट में,
एंड आप एक साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फेड की मीटिंग के बाद एक बार आपको बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 49,000 के करीब अगर गोल्ड मिलता है तो आई थिंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लेवल से करें। मुझे लग रहा है कि वहाँ 49,500 49,000 एक अच्छी रेंज है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अभी थोड़ा बहुत फेडरल रिजर्व का आउटकम जो कल लेट इवनिंग को है, तो आई थिंक कल की एक बार प्राइस मोमेंटम देख के अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे आपको बाय पोजिशन लेनी चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपको गोल्ड में दी जा रही है, बाय पोजीशन लेके चलना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका। तो आगे बढ़ते हैं, और औरंगाबाद से हमें सवाल भेजा है स्वप्निल जी ने, और इनका सवाल है चांदी पर खरीदारी इन्होंने की है। चांदी पर 61,900 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है। अब ये जानना चाह रहे हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें। जिगर क्या सजेस्ट करेंगे इनको, क्योंकि चांदी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी 60,000 रुपये तक का फिसल चुका है, तो इनके भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है चांदी। बट क्या करना चाहिए इन्हें, अभी भी बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें? सी मुझे लगता है कि सिल्वर वैसे तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव के बायस में है। रीज़न ये है कि बेस मेटल्स के तरफ से भी काफ़ी दबाव आ रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर में थोड़ा ज़्यादा हैवी सेलफ हमने आता हुआ देखा है। बट मार्केट पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा। ऑलरेडी पोजिशन में बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हैं तो 59,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, और अगर प्राइसेस में रिकवरी आती है तो फिर एक बार तकरीबन 60,100 से 200 के आसपास भी अगर ऊपर आता है, 200-300 रुपये भी ऊपर, तो एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि पुल बैक जरूर रहेगा बट प्राइसेस हर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। तो 59,400 एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 60,150 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके तो अभी फिलहाल एग्जिट करने की राय होगी, थोड़ा भी यहाँ पर रिकवरी आती है तो एग्जिट करने की राय इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। रवि एक बार आपसे मेटल पर भी राय लेना चाहेंगे। अगर मेटल पर देखें तो ज़्यादातर मेटल इस वक्त दबाव में कारोबार कर रहे हैं। लेड को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर मेटल्स में दबाव है, करीब 1-1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम 200 पीस के पास है, कॉपर में 4.5% की गिरावट है, जिंक 315 रुपये तक फिसल चुका है। मेटल स्पेस में ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका, और ये जो दबाव दिख रहा है वीकनेस और कितनी गहरा सकती है, और इसमें आपको आप कहाँ पर बैट कर रहे हैं, आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? जरूर से जो बेस मेटल्स में वीकनेस आई है उसमें 3 ज्यादा बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। आई थिंक पहला बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड की जो स्ट्रेंथ है इस हिसाब से लग रहा है कि प्राइसेस में एक रेजिस्टिव मूव बना हुआ है। सेकंड जो उसमें वीक फैक्टर है वो है चाइना। चाइना से जो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना या तो कोई सब बेस मेटल्स में या तो बड़ा कंज्यूमर है, या तो बड़ा इंपोर्टर है, या तो बड़ा एक्सपोर्टर है, तो चाइना का काफी बड़ा वेटेज है। और जो आज मॉर्निंग में केस निकल के आए 3 वीक के हाई पे शंघाई में केस निकल के आए, तो जो अनलॉकडाउन की प्रोसेस थी वो धीरे धीरे लॉकडाउन पे फिर से जा रहे हैं, तो इस हिसाब से डिमांड की थोड़ी अनसर्टनिटी बनी हुई है। तीसरा रीजन है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रेंथ ले रहा है, हालांकि आज डॉलर इंडेक्स में हायर लेवल से थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग प्रेशर है, बट फिर भी बेस मेटल्स में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर काफी कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं। जिस हिसाब से पहले जून से सेंट्रल बैंकर ने सारे ऑलमोस्ट सेंट्रल बैंकर ने अपनी लिक्विडिटी का टाइटनिंग चालू किया है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लीड में क्यों कमजोरी नहीं आ रही, उसका बेस रीजन है क्योंकि लीड में चाइना सप्लाई काफी मैटर करता है। जब जब चाइना में सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स या कोविड कंसर्न्स होते हैं तब लीड की सप्लाई में काफी डिस्टर्बेंस होते हैं, इस हिसाब से प्राइसेस में स्पॉट प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से लीड में ज्यादा कमजोरी नहीं देखनी चाहिए, बट मुझे कॉपर एंड जिंक यहाँ से वीक लग रहा है। कॉपर में लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इसको 765 के करीब बेचे एक बार, 770 के स्टॉप लॉस के साथ 750 तक के लेवल्स में कॉपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वही जिंक में भी 315 के करीब सेल करके चलना चाहिए, डाउनसाइड 308 के टारगेट, 318 के एक स्टॉप लॉस के साथ, एंड थोड़ा बहुत आपका एपेटाइट है तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ उसको सेल करना चाहिए। तो जो पूरे बास्केट है उसमें मुझे जिंक एंड कॉपर में वीकनेस ज्यादा दिख रही है। आपको दे दी गई है ये ट्रेडिंग रणनीति भी आपको सुझा दी गई है, जिंक में बिकवाली करके चलिए 311 के लेवल्स के लिए, और कॉपर में भी बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है 757 के लेवल्स पर, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी हम देखेंगे MCX पर तो हल्की हरे निशान में, हल्की यहाँ पर मजबूती आई है कॉपर में।
बट यहाँ से इन स्तरों से बिकवाली करने की ही राय आपको दी जा रही है दोनों ही बेस मेटल्स पे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमें सवाल भी आया है मेटल्स पर ही, और ये हमें भेजा है कर्नाटक से समीर जी ने, और इनका सवाल कॉपर पर है। इन्होंने बिकवाली की है 740 के लेवल्स पर, अभी क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। रवि क्या सजेस्ट करेंगे इनको कॉपर पर, 740 के लेवल्स पर बिकवाली की इन्होंने? आपके लेवल से थोड़ा बहुत आउट द मनी चल रहा है, बट मुझे लग रहा है जैसे आपसे फंडामेंटल फैक्टर है, शायद आपके लेवल तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी पोजीशन पे 770 के करीब एक बार स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि फेड के इवेंट के पहले भी कल वोलेटिलिटी थोड़ी देखने को मिलेगी, और उसमें 740-742 तक आए तो एक बार वहां से एग्जिट हो जाना है। ऑल ओवर 740 का बहुत अहम सपोर्ट है, उसके पास से आपने शॉर्ट किया है तो मुझे लग रहा है एक बार प्राइस आपके लेवल के करीब आए तो वहां पे एग्जिट करें एंड 770 का स्टॉप लॉस लगाए। ऑल ओवर ट्रेंड वीक है, हालांकि कल क्या फेड का आउटकम आता है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट आउटलुक है थर्सडे ऑनवर्ड, तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपके कोस्ट के करीब एग्जिट होना अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके जिगर, आपसे भी सवाल होगा मेटल पर ही। मेटल पर आपका क्या व्यू बन रहा है और आपको कहाँ पर ट्रेडिंग की रणनीति इस पर सुझा रहे हैं मेटल स्पेस में? मेटल स्पेस में मुझे लगता है कि मेरा भी जो पिक है वो कॉपर और जिंक में ही रहेगा, और मुझे दोनों में ही एक सेलिंग अभी भी दिख रहा है। नो डाउट चाइना में कंसर्न्स है और ग्लोबली जिस तरह से रेट हाइक का कंसर्न है, डॉलर इंडेक्स में 105 के करीब तक की मोमेंटम अपसाइड आए, यूएस हायर लेवल पे है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज्ड मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। और खास करके चाइना में जब वरीज होती है तब नो डाउट बेस मेटल्स का जो मेजर इंपोर्टर है वहाँ पर कंसर्न होता है, तब बेस मेटल्स में एक डिमांड कंसर्न अराइज होता है और उसके वजह से बेस मेटल में सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये करंट सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं चाइना में, जिसके वजह से बेस मेटल्स में ऑलरेडी करेक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी ओवरसोल्ड आ चुका है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत पुलबैक ज़रूर मिलेगा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेलिंग का रहेगा। तो कॉपर में भी मुझे लगता है कि इंट्राडे परस्पेक्टिव से 757-755 के टारगेट्स आ सकते हैं, 768 के स्टॉप लॉस से 764 का एक सेलिंग लेवल अच्छा रहेगा और कॉपर में सेल करके चल सकते हैं। जिंक में भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि 316 के करीब काफ़ी अच्छा सेलिंग का मौका है, वहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। 318 के ऊपर का स्टॉप लगाना होगा और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 311-310 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो कॉपर और जिंक एक बेस्ट पिक रहेगा बेस मेटल में सेलिंग के लिए। ठीक है, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स का व्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, जिंक और कॉपर यहाँ पर बिकवाली करने की राय दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, तो प्रेशर यहाँ पर और गहरा सकता है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए, कुछ एग्री कमोडिटीज से जुड़े भी हमें सवाल इस वक्त आ रहे हैं। हिसार से पवन ने भेजा है हमें, रवि आपसे सवाल होगा कॉटन सीड और कॉटन केक पर, यह आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका अगर कॉटन सीड और कॉटन केक की बात करें? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अगर कॉटन पर नज़र डालें तो इस वक्त हल्की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और MCX पर 46,900 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कॉटन केक में भी यहाँ पर हल्की तेज़ी 2800 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आगे के लिए आउटलुक क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है। जरूर से मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज्यादा काम कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की स्ट्रेंथ की वजह से जो 137 गया था आइस कॉटन वो रिकवर 145 के करीब आ चुका है, तो इस हिसाब से कॉटन के प्राइसेस में इतना बहुत आपको बिकवाली का चांस नहीं दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है कॉटन सीड एंड कॉटन सीड ऑयल के, वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड रहना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक में आज का जो लेवल है 2830 के करीब चल रहा है, मुझे लग रहा है अगर नई स्ट्रेटेजी आपको लेनी है 2840 के करीब आपको सेल करके चलना है। 2760 के टारगेट रहेगा 2880 के स्टॉप लॉस के साथ, आपको वहां बिकवाली करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी मानसून 16 या 17 तक अगर महाराष्ट्र एंड गुजरात में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो आई थिंक वहाँ पे फार्मर्स का पहला प्रायोरिटी कॉटन रहेगा, जिस हिसाब से लास्ट ईयर में प्राइसेस एंड रियलाइजेशन फार्मर को मिला था, मुझे लग रहा है कि इस बार पहला प्रेफरेंस फार्मर की ओर से कॉटन में रहेगा। साउथ एंड पंजाब में भी अच्छा बाइंग अच्छा सोइंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऑल ओवर डेटा है वो अकॉर्डिंग टू दैट अभी पंजाब गवर्नमेंट का रिपोर्ट में एक डेफिसिट था, बट आगे जैसे ही मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन वेल होगा उसके बाद एक बड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स में ड्यू है।
ओके ठीक है, ये राय आपको कॉटन और कॉटन केक में दे दी गई है। जिगर एक बार आपका व्यू लेड पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मेटल्स में तो दबाव है, लेकिन लेड है वो अभी फिलहाल हल्की तेज़ी में कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले रवि ने अपना व्यू शेयर किया, आपका क्या व्यू बन रहा है लेड पर? जिस तरह से लेड का जो ओवरऑल मोमेंटम है पिछले कुछ महीनों से, लेड एक्चुअली एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है कि बाकी सारे मेटल्स में हायर लेवल से काफ़ी शार्प सेलिंग प्रेशर आया, जैसे कि अगर जिंक की बात करें तो रिसेंट हाई में 340 से लेकर 300 के करीब तक का लेवल सब आते हुए दिख रहे हैं। कॉपर में 800 के ऊपर से बिकवा लिया है, बट अगर लेड की मोमेंटम देखें तो तकरीबन 8 से 9 रुपये की रेंज में ही पूरे 1.5-2 महीने में ये कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बट येस, जो डाउनवर्ड प्रेशर है लेड में वो काफ़ी लिमिटेड लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि लेड का जो प्राइसेस है वो 180 या 179 के नीचे सस्टेन करेगा। तो जो भी लेड में ट्रेडर है, स्लो एंड स्टडी मूवर है और उसमें ट्रेड लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि लेड में तकरीबन 181-182 के रेंज में एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। हालांकि जो अपसाइड का मोमेंटम रहेगा वो भी काफ़ी लिमिटेड रहेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि लेड 190 के ऊपर या 187 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है 180-181 के रेंज में बाई कर सकते हैं। 179 के बिलो का एक स्टॉप मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर 186 से 187 के टारगेट्स लेड में आते हुए देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं यहाँ पर लेड के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब रवि एक बार आपसे कच्चे तेल पर भी व्यू लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड में हल्की तेज़ी आई है, 122-123 के लेवल्स फिर से छूने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ग्लोबल मंदी और सप्लाई की चिंता बनी हुई है, ये सब कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि यहाँ पर तेज़ी के लिए ट्रिगर की तरह काम कर रहे हैं। तो कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका और किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, कच्चा तेल थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है। आज जो ओपेक का रिपोर्ट आया उसमें डिमांड का उन्होंने अपना आउटलुक है वो कट किया, हालांकि सप्लाई रिलेटेड भी आउटलुक उसमें कट है। तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइस में इतना ज्यादा आपको रिएक्शन नहीं देखने को मिला। कल आईए का रिपोर्ट आना है, इसके ऊपर मार्केट फोकस करेगा, क्योंकि आईए का रिपोर्ट है अभी काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस का क्या सिनारियो है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या उसमें डिमांड का आउटलुक है वो काफी अहम है। तो आई थिंक ये कल के इन्वेंटरीज के नंबर एंड कल के साथ में आने वाले आईए के रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है तब तक थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। हालांकि ऑल ओवर कल देखे या परसों देखे इतना बड़ा ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में वीकनेस था, पर फिर भी प्राइसेस काफी अच्छी तरह सस्टेन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वहां पे सप्लाई इश्यू ही खड़ा हुआ है एंड लगातार कोई ना कोई न्यूज से प्राइसेस एक हायर लेवल पे सस्टेन हो रहे हैं। एंड 118 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट था, वहां से ही ब्रेंट रिवर्स हुआ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 9450-9460 एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। 9370 एक अहम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, वो स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड एक लिमिटेड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9600 का, वहां पे एक बार मुनाफा उस कर ले। तो मुझे लग रहा है कि जब तक आईए का रिपोर्ट ना आए तब तक प्राइसेस में एक बार बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं, यहाँ पर 9600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स पर। ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक एक रेंज में को आप प्ले कर सकते हैं। जिगर आपसे सवाल नेचुरल गैस पे होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि 680 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि वेरी रिसेंटली हमने तकरीबन 630 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे, बट वहाँ से काफ़ी अच्छी शार्प रिकवरी आई है और प्राइसेस अब 685-86 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अब दोबारा से एक अपसाइड का मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है और इनिशियली जो टारगेट रहेगा तकरीबन 702-705 के करीब का रहेगा, वहाँ पर एक हर्डल रहेगा प्राइसेस के लिए, तो वहाँ पर तक एक तेज़ी लिमिटेड रहेगी। बट ओवरऑल ट्रेंड वाइज अगर मैं बात करूँ तो जो रशिया यूक्रेन कंसर्न है, सप्लाई इशूज़ है, तो ये प्राइसेस कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को एच एंड एवरी लोअर एंड पर सपोर्ट करते रहेंगे और प्राइसेस को हायर एंड पर पुश करते रहेंगे। जो ओवरऑल टारगेट है मेरा वो मुझे लगता है कि दोबारा से 750 के लेवल्स नेचुरल गैस में आते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी करेक्शंस आता है खरीदारी का मौका लेना चाहिए नेचुरल गैस में। बट नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर काफी ज्यादा न्यूज ड्रिवन है, न्यूज फ्लो जाती है, प्राइसेस उस तरह से रिएक्ट हो जाता है। तो जो भी ट्रेडर्स इस कमोडिटी में पोजीशन बनाते हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। तो जो अगर डे ट्रेडर है मुझे लगता है कि 680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चल सकते हैं और 702-705 के टारगेट के लिए वेट करके चल सकते हैं।
ओके, तो 700 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं, तो नजर रखिए इस पर। यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख सकता है, आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। चलिए कुछ एग्री कमोडिटी पर भी राय ले लेते हैं। रवि, आपसे मसाले पर राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबाव दिखाई दे रहा है। हल्दी वायदा इस वक्त नीचे है, 8,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। जीरा वायदा में भी कमजोरी है। धनिया वायदा भी 11,200 के पास करीब 0.5% की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मसाले भी क्या व्यू बन रहा है आपके, क्या कहीं पर कुछ ट्रेड लेने की राय देंगे? मसाले में वैसे डिमांड काफी कंसर्न बना हुआ, अदरवाइज सप्लाई सारे जो मसाले है उसमें या तो वेल बैलेंस है या तो लोअर सप्लाई है, बट फिर भी देखे तो डिमांड की कमजोरी की वजह से वायदा में इतना ज्यादा एंथू नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे एक टर्मरिक में सेल करके चलना चाहे, जो साउथ एंड महाराष्ट्र में अगर बारिश आएगी एंड अच्छी अगर इवन रहेगी तो मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जाम्पल आप में वहां पे सेल करके चल सकते हैं। वैसे भी शॉर्ट टर्म में 7800 से ऊपर 8100 का एक रेंज बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अपर रेंज में 8050 के करीब आप इसके में सेल करें। डाउनसाइड 7920 के टारगेट आपको दिखने चाहिए, एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 8120 का स्टॉप लॉस लगाए तो वहां कमजोरी ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि वहां पे जैसे ही आगे न्यूज आएगी मानसून रिलेटेड।